हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब। कल हमने फिफ्थ लेसन समझा था ना, आज हम क्या देखेंगे, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैश ईटिंग एनिमल, इनमें से कौन से मांस खाने वाले जानवर हैं। तो किस पर टिक करेंगे, बी पर टिक करेंगे, लायन पर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ईट्स ओनली प्लांट, इनमें से कौन से जानवर सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। तो क्या आएगा, काओ है ना, यानी कि बी पर टिक करना है। फिर है अ रैबिट लिव्स इन अ डैश, रैबिट किस में रहता है, तो बुर्रों में रहता है, ए पर टिक करेंगे। विच ऑफ दिस एनिमल ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट, इनमें से कौन से जानवर हैं जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो बी पर टिक करेंगे, बियर पर। फिर है अ मंकी लिव्स डैश, मंकी कहाँ पर रहता है, तो किस पर टिक करोगे, बी पर टिक करो, ऑन अ ट्री, पेड़ पर रहता है ना बंदर। फिर सेकेंड क्या है, फिलअप्स हैं। तो फर्स्ट है अ गोट इज ए डैश एनिमल, गोट क्या है, तो प्लांट ईटिंग एनिमल है। लायन एंड डैश लिव्स इन फॉरेस्ट, लायन और कौन जंगल में रहता है, तो क्या आएगा, डियर। अ डैश ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, इसमें से कौन मरे हुए जानवरों को खाता है, तो क्या आएगा, हाइना। लायन लिव्स इन डैश, लायन कहाँ पर रहता है, तो डैन में रहता है। फिर है बर्ड्स बिल्ट देयर डैश इन ट्रीज, बर्ड्स अपना कहाँ पर पेड़, क्या चीज़ पेड़ पर बनाते हैं, तो क्या आएगा, नेस्ट आएगा, घोंसला बनाते हैं ना पेड़ पर। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन QN है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी कि मांस खाने वाले जानवर क्या होते हैं, तो सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल, कोई कोई जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको बोला जाता है फ्लैश ईटिंग एनिमल। नेम एनी थ्री प्लांट ईटिंग एनिमल, कोई भी तीन पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, तो क्या आएगा, गोट्स डियर एंड काओ। फिर है विच एनिमल आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर कौन से जानवर होते हैं, तो सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ऐसे जानवर जो दूसरे मरे हुए जानवरों को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर्स बोला जाता है। वेयर डू बियर्स लीव, बियर यानी कि भालू कहाँ पर रहता है, तो बियर्स लीव इन अ केव, बियर कहाँ पर रहता है, केव में रहता है। वेयर डू स्नेक्स लीव, सांप कहाँ पर रहते हैं, तो स्नेक लीव्स इन होल्स और बुर्रो ऑफ अदर एनिमल, देखो अब सांप कहाँ पर रहता है, दूसरे जानवर जैसे कि खरगोश है, चूहा है, उन मोल है, उन सब ने जो अपना घर बनाया हुआ होता है ना, उनके छेद है, छेद होता है, बुर्रो होता है, उनका जो घर होता है ना सांप, उसके अंदर रहता है। आ गया समझ में, कल थोड़ा मिस्टेक हो गया था आपको ये लाइन बताने में, सांप खुद से होल बना के उसमें नहीं रहता है, वो दूसरे जानवरों के घरों में रहता है, जैसे कि रैट, रैबिट, मोल्स, उनके घरों में रहता है सांप, ठीक है ना। ओके बाय, आपको इसको नोटबुक और बुक दोनों में कंप्लीट करना है। Thank you, have a nice day.